कुछ एक्शन एक्टिविटीज। ओहो क्या कर रहा है, ऊपर उठो उसको। कुछ एक्शन की एक्टिविटीज, ठीक है ठीक है देवांशी। कुछ एक्टिविटीज सीखेंगे हम। वो गेम खेलने का मतलब ये है कि हम उनको याद रखेंगे भाई, ठीक है। जो जो एक्टिविटीज़ करेंगे और उन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो हमको याद रखना होगा, ठीक है। तो शुरू करें भाई। शैल वी बिगिन, यस और नो? यस। वेरी गुड। शैल वी बिगिन, यस और नो? वेरी गुड। ओके चलो एक लाइन बनाओ, ठीक है। एक लाइन पे खड़े हो जाओ, तो हम जो जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो लर्न भी करनी है भाई, ठीक है। अभी ये तो पता ही था भाई, सिट डाउन तो पता ही था ना। तो सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। सिट डाउन मतलब बैठना, स्टैंड अप मतलब उठना, ठीक है। और अब हम एक और नया वर्ड सीखेंगे, ठीक है। खाना कैसे खाते हैं हम? खाना ऐसे थाली में तो बनाओ, हाथ में थाली ऐसे बनाओ, थाली ये थाली हो गई ना, हाँ जैसे आरव कर रहा है, ठीक है वैसे ही खाओ, सब खाना खाओ। ये क्या कर रहे हैं हम? खाना खा रहे हैं ना। तो खाने के लिए क्या बोलते हैं? ईट। स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से कमांड दूंगा ईट, तो तब ईट करो, है ईट, ईट एवरीबॉडी, ईट, ईट करो, ईट। ईट मतलब खाना खाना ना, खाना कुछ भी चीज़ खाना, ईट ना, ईट मतलब खाना। स्टॉप, स्टॉप एवरीबॉडी, स्टॉप, स्टॉप देवांशी, स्टॉप, स्टॉप मतलब रुको, रुक जाओ, अब मत खाओ, ठीक है। स्टॉप मतलब रुको। अब नहीं, ईट मतलब पता चल गया सबको, खाना। अब पानी कैसे पीते हम? ऐसे 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 क्या पीते हम दिया? ऐसे करते, ऐसे करो दिया, ऐसे पानी पी रहे हैं ना। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना भाई, ठीक है। अब वाटर मतलब पानी, ड्रिंक पीना, ड्रिंक करो, ड्रिंक, ड्रिंक करो देवांशी, देवा ड्रिंक। ये क्या कर रहे हैं हम? पी रहे हैं ना। ड्रिंक मतलब पीना भाई, ठीक है। और ईट मतलब ईट करो, ईट करो, ईट एवरीबॉडी, ईट। ये खा रहे हैं हम ना। ड्रिंक करो, ड्रिंक, ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं ना। ड्रिंक मतलब पीना और ईट मतलब खाना, ठीक है। और कुछ और है? अब स्टॉप, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप मतलब रुको ना, स्टॉप हो जाओ, ठीक है। स्टॉप मतलब रुकना ना। अब है जंप, जंप करो, जंप करो, जंप। ये क्या है? जंप, जंप एवरीबॉडी, डू जंप। स्टॉप, स्टॉप, ठीक है, गुड। अब रन मतलब भागना, रन मतलब भागते कैसे हम? अपनी जगह पे भागो, बस अपनी जगह पे, केवल बस ऐसे ही भागो, भागो, रन करो, रन, रन देवांशी, रन देवांशी, रन दिया। स्टॉप, रन, स्टॉप, रन, स्टॉप, पता चल गया। स्टॉप मतलब रुकना, रन मतलब दौड़ना, भागना ना, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई भाई, ठीक है। अब क्या है? पंछी कैसे उड़ती है ना, कैसे होती पंछी उड़ती फिरूं मैं मस्त गगन में ना, कैसे बर्ड कैसे उड़ती है, बर्ड कैसे उड़ती है ये बता दिया करो, ढंग से रहो, करो करो, आरो करो, ऐसे ना, ऐसे उड़ो, उड़ ऐसे, फ्लाई, उड़ना मतलब फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब फ्लाई, फ्लाई करो, फ्लाई करो, फ्लाई करो एवरीबॉडी, फ्लाई करो, फ्लाई मतलब उड़ना भाई, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप, क्लैप, क्लैप करो, क्लैप। गो, गो मतलब सिखाया था ना तुम्हें, गो मतलब रन मतलब होता है भागना, और गो मतलब जाना, आराम आराम से जाना। तो जब मैं बोलूँगा गो तो तुमने जाना है भाई, ठीक है। गो, गो एवरीबॉडी, गो। उल्टा क्यों जा रहे हो भाई? गो मतलब जाना, अपने घर के लिए जाओ। गो, गो, गो दिया, गो, 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 गो। स्टॉप, स्टॉप, गो मतलब जाना ना, और कम मतलब आना, कम, कम। ढंग से आ भाई, आ रहा, उल्टा क्यों आ रहा है? सुल्टा ना, ढंग से कम। गो, गो, जब मैं गो बोल रहा हूँ तो जाते रहो। गो, 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 गो देवांशी। स्टॉप, कम, 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 कम,
दिया कम मतलब कम मेरे पास आ रहे हो ना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ठीक है ठीक है देवांशी। गो मतलब कम मतलब आना, ठीक है ठीक है। दिया क्या कर रही है अब, पढ़ते हो तुम किताब, पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो किताब, ऐसे किताब रख के ना, तो किताब पढ़ना मतलब रीड करना, पढ़ो किताब, रीड करो रीड करो रीड करो भाई, रीड करो एवरीबॉडी रीड करो। स्टॉप 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 आ रहा हूँ। तो री पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे, रीड करना, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। और आगे आगे करते हैं हम, ठीक है आगे है वीप, सॉरी रीड, रीड से रीड, रीड मतलब पढ़ना ना, और उसके बाद पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं आ रहा पे देखो, दिया आ रहा पे देखो कैसे लिख रहा है। तो राइट मतलब क्या आ रहा, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, दिया राइट मतलब लिखना। जब मैं बोलूँगा राइट ना तो तब क्या करना है, लिखना है। जब मैं बोलूँगा रीड तब क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है अनुज, ठीक है देवांशी। रीड मतलब पढ़ना है, राइट मतलब लिखना है। जब मैं तेरे को बोलूँगा राइट ना, राइट डाउन ए, तब तुझे ए लिखना है, ठीक है। और जब मैं बोलूँगा रीड तो तब तुझे रीड करना है बुक को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और आगे क्या है, लाफ मतलब हंसते, कैसे तुम जरा हंसो, हंसो जरा हंसो, रोने के बाद हंसते भी हो तुम ना, हंसो देवांश हंसो, रोने के बाद हंसते हैं ना, तो हंसने हंसने के लिए क्या कहते हैं, लाफिंग, लाफ जोर जोर से हंसना, लाफ होता है ना, जोर जोर से हंसना, लाफ लाफिंग। नहाते भी हो तुम, नहाते कैसे, नहाते हो ऐसे पानी निकाल के, ऐसे ऐसे बाल्टी से पानी निकाल के अपने सर में डालते हो ना, तो नहाने के लिए बात भाई, ठीक है। तो फिलहाल तुम तीन चार वर्ड याद रखो, ठीक है, जैसे सिट डाउन स्टैंड अप तुम्हें पता है, ईट ईट ड्रिंक स्टॉप जंप रन फ्लाई क्लैप गो कम, ये तीन चार चीज़ें याद रखो भाई, ठीक है ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर शावरिंग योर लव ऑन अस, थैंक यू वेरी मच।